हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से इस बारे में आदेश भी जारी किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य व कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक की परीक्षाएं 30 अप्रैल 2021 और 1 मई 2021 से शुरू होने वाली थी, जो अब तय समय सीमा से नहीं होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 1 माह के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं जून 2021 के पहले सप्ताह से शुरू होकर अंतिम सप्ताह तक संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार विस्तृत संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से प्रारंभ होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं जून में होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं। पूर्व में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हम बच्चों को संकट में नहीं डालेंगे और बोर्ड परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होनी थी। 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।